आज दिन अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऊबर एंड एप्पल, इट इज एन इजी लीड कोड प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज यू आर क्लाइंबिंग स्टेयरकेस एंड इट टेक एन स्टेप्स टू रीच टू द टॉप. ईच टाइम यू कैन क्लाइंब इधर वन और टू स्टेप्स. इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज यू कैन क्लाइंब टू द टॉप. ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है कि अपने को स्टेयर के टॉप पे जाना है और हर बार या तो एक स्टेप ले सकते हैं या मैक्सिमम दो स्टेप्स ले सकते हैं. और ये बताना है कि कितनी मैक्सिमम डिफरेंट डिस्टिंक्ट वेज में तुम टॉप तक पहुंच सकते हो स्टेयर पे. ठीक है, तो सबसे पहले वेरियस टेस्ट कहते थे अपन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है कि अगर इनपुट एन इज इक्वल टू टू, इनपुट यानी नंबर ऑफ स्टेयर. ठीक है, इनपुट यहाँ पे है टू, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फोर है स्टेयर्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज अपन फाइंड करेंगे. अगर पहला तरीका है कि अपन वन स्टेप क्लाइंब करें और फिर वहां से वन स्टेप क्लाइंब करें. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वे. एंड द सेकंड वे इज डायरेक्ट स्टार्टिंग से प्लस टू करके टॉप पे पहुंच जाए. तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितनी आ गई, टू वेज. ठीक है, फिर इसके बाद में अगर इनपुट एन इक्वल टू थ्री यानी नंबर ऑफ स्टेयर्स अगर तीन है तो सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेयर पे आएंगे प्लस वन, सेकेंड स्टेयर पे आएंगे और थर्ड स्टेयर पे आएंगे वन वन स्टेप करके. ये पहला तरीका है. ठीक है, सेकेंड तरीका क्या है कि फर्स्ट वाले पे प्लस वन करके है और यहाँ से दो स्टेप्स की जंप कर ली. ठीक है, और एक तरीका ये है कि अपन प्लस टू करके यहाँ पे गए और फिर यहाँ से प्लस वन करके वन स्टेप लेके टॉप पे पहुँच गए. तो टोटल कितनी वेज हो गई टॉप पे जाने के लिए, थ्री वेज. ठीक है, और इनपुट अगर एन इज इक्वल टू फोर दिया है और आउटपुट क्या है फाइव है, ये अपने को निकालने के जाएगा. तो नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ से अपन सिंगल सिंगल स्टेप्स पहला गेज. ठीक है, प्लस वन प्लस वन 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 स्टेप्स लेके टॉप पे आ जाते हैं. दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे वन स्टेप ली, फिर वन स्टेप ली और यहाँ से टू स्टेप ली. ठीक है, थर्ड वेज यहाँ पे से अपन ने वन स्टेप ली, फिर यहाँ से अपन ने वन स्टेप ली, यहाँ से अपन ने टू स्टेप ली और फिर वन स्टेप ली. ठीक है, तीसरा तरीका फिर क्या होता है कि टू स्टेप्स ली सबसे पहले, फिर वन स्टेप ली और वन स्टेप ली. और दूसरा ये हो सकता है कि टू स्टेप्स ली लास्ट में, टू स्टेप्स ली और फिर यहाँ से टू स्टेप ली. ठीक है, टोटल कितनी वेज हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव वेज टू रीच टू द टॉप. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ऑफ क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रॉब्लम. ठीक है, अगर इनपुट एन इज इक्वल टू फाइव है यानी नंबर ऑफ स्टेयर्स कितनी है, फाइव है, तो अपने को बताना है कि इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज यू कैन क्लाइंब टू द टॉप. ठीक है, तो इसके लिए अपन एक ट्री बनाएंगे. सबसे पहले जीरो जीरो वाली स्टेयर पे अपन खड़े हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे अपन को दो डिसीजन ले सकते हैं अपन, या
वन स्टेप चढ़ना है या टू स्टेप चढ़ना है? वन स्टेप चढ़े तो फर्स्ट स्टेयर पे आ गए, ठीक है, और अगर टू स्टेप चढ़े तो सेकंड स्टेयर पहुंचेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अपने को दो डिसीजन दे सकते हैं कि वन स्टेप चढ़ना है या टू स्टेप चढ़ना है, ठीक है। वन स्टेप चढ़ेंगे तो सेकंड स्टेयर पहुंचाएंगे, टू स्टेप चढ़ेंगे तो थर्ड पे पहुंचाएंगे। यहाँ पे भी दो डिसीजन ले सकते हैं, वन स्टेप चढ़ना है कि टू स्टेप चढ़ना है। वन स्टेप चढ़ेंगे तो थर्ड स्टेयर पे पहुंच जाएंगे, टू स्टेप चढ़ेंगे तो फोर्थ स्टेयर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन दो डिसीजन ले सकते हैं कि वन स्टेप चढ़ना है या टू स्टेप चढ़ना है। अभी ये 4 हो गया और 3+2 5, क्या अपन यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टेयर पर पहुंच गए इसमें, ठीक है। तो इसमें और नहीं आ सकते, फिर क्या है 4 में अपन या तो वन स्टेयर चढ़ सकते हैं, ठीक है, 5 हो गया। और अगर टू स्टेयर चढ़ा तो 5 के ऊपर चले जाएंगे तो वहां नहीं जाना है, फिर क्या है यहाँ भी हो गया ये 4। 4 में अपन वन वन स्टेयर चढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टू स्टेयर चढ़ा तो 4 से ज्यादा रहेगा। अब क्या है 3, 3 में अपन वन स्टेयर चढ़ सकते हैं या टू स्टेयर चढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है 4, 4 वाले पे अपन वन स्टेयर चढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन एक और ट्री बनाएंगे तो सेकंड वाले पे से अपन कितने या तो वन स्टेयर चढ़ सकते हैं या टू स्टेयर चढ़ सकते हैं। वन स्टेयर चढ़ेंगे तो थर्ड पे पहुंचेंगे और इस पर टू स्टेप चढ़ेंगे तो फोर्थ पे पहुंच जाएंगे। इस पे भी अपन दो डिसीजन ले सकते हैं कि वन स्टेयर चढ़े या टू स्टेयर चढ़े। 3+1 क्या होता है 4, फोर्थ स्टेयर पे पहुंच गए और ये हो गया 5th स्टेप पे पहुंच गए। यहाँ पे अपन 10-1 करेंगे, ये अपन 5th स्टेप पे पहुंच गए और इससे तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेगी, एक ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और ये 8, ठीक है। टोटल आउटपुट क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू 8, बट इफ वी कीप इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन सो दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी अ गुड सॉल्यूशन। तो क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए तो क्या रहेगी, 2 की पावर n, फिर एन इज द नंबर ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ बेटर सॉल्यूशन टू सॉल्व द क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रॉब्लम। इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि अपना जो वर्क है वो बहुत रिपीटेटिव हो रहा था, ठीक है, तो वो अपन अगर कम कर देंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम हो जाएगी। जैसे कि जो अपन अगर 1 पे है तो 1 पे अपन कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, 1 पे है जैसे यहाँ पे गए 4 पे शुरू करते हैं, 4 पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है टॉप पे जाने की, 1 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही अपन बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, ये दिस रिपीटेटिव वर्क कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4 पे 1 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब अपन 3 पे चेक करेंगे कि 3 पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टॉप पे जाने की कितनी है। जो 3 है 3 पे से पॉसिबिलिटी टू रीच टू द टॉप कितनी है, जैसे 1 और 2, ठीक है, सेम 1 और 2 हमेशा रहेंगे, तो 2 पॉसिबिलिटीज रहेगी।
पे हमेशा, और टू पे कितनी है, सेकेंड स्टेयर पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू रीच टू टॉप, यहाँ पर यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, 3 है। तो टू मेक दिस, जैसे अपन यहाँ से जाएंगे तो अपन एक बार तो अपने को पता चल ही गया है कि 4 पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 1 है, 3 पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज 2 है, और 2 पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 3 है। तो ये बार बार अपन रिपीट ना करके अपन इसको एक स्टोर करवा लेंगे, और अपन क्या यहाँ पे से ये रिमूव कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को एलिमिनेट कर देंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे, 3, नंबर पॉसिबिलिटीज यहाँ पे 3 है, और इसकी जगह 3 की जगह अपन यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और 4 की जगह नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 1 लिख देंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो अब इस अप्रोच से अपना क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिगो ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच से अपनी होगी बिगो ऑफ एन। तो दिस इज अ बेटर, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ठीक है। तो अपन इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज डिफाइंड एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर एल्गोरिदम्स प्रॉब्लम इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सब प्रॉब्लम एंड द रिजल्ट्स आर सेव्ड एंड द सब प्रॉब्लम्स आर ऑप्टिमाइज्ड टू फाइंड द ओवरऑल सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में तोड़ा जाता है और सब प्रॉब्लम के रिजल्ट्स को सेव किया जाता है, और फिर तो क्या है, उससे ओवरऑल सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर इनपुट अपना एन इज इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेयर 4 है, तो उसके लिए अपन सॉल्व करके देखेंगे। इसको अपन एक एरे में स्टोर करा देंगे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, नीचे बनाते हैं। तो इस अप्रोच में क्या करेंगे कि अपन जैसे थर्ड स्टेयर पे है, ठीक है, तो थर्ड स्टेयर पे से फोर्थ पे जाने के लिए अपने को क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स हमेशा 1 लेनी पड़ेगी, और अगर अपन सेकंड स्टेयर पे है तो यहाँ से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, यानी स्टेयर कितनी चढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 स्टेयर अगर यहाँ से चढ़ेंगे, ठीक है, तो अपन टॉप पे जा सकते हैं, ये अपने को पता है। तो अपन इस अप्रोच में क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 2 पे आने की कितनी है ये कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक तरीका ये है, +1 +1, 1 स्टेप ली और 1 स्टेप ली करके सेकेंड स्टेप पे आ सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे 2 स्टेप्स लेके आ सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कहते हैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टू टू रीच टू टॉप, यहाँ तक 2 तक आने के लिए कितनी है, 2 है, ठीक है। अब 3 तक अपन चेक करेंगे कि
थ्री तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है? एक, दो, तीन, प्लस वन, प्लस वन, वन स्टेप लेके जाते जा सकते हैं, या वन स्टेप ली और टू स्टेप ले ली, प्लस वन प्लस टू, या टू स्टेप ली और वन स्टेप ली, ठीक है, प्लस टू प्लस वन, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? थ्री होगी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ थ्री, कितने? तीन है, थ्री तक आने के लिए। तो अपन क्या करेंगे इस अप्रोच में, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू रीच फोर इज इक्वल टू कितना, एक ऐसा बता सकते हैं, ऑफ पॉसिबिलिटी टू रीच फोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी टू रीच थ्री प्लस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू रीच टू, ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू रीच थ्री इज थ्री एंड प्लस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू रीच टू इज टू, ठीक है, ये दोनों अपन ने रिजल्ट स्टोर करवा के रख दिए थे, तो इसका आंसर है फोर पे आने के लिए टू रीच टू द टॉप आंसर है फाइव बेस, ठीक है, टोटल फाइव बेस होगी, जिस तरीके से अपन फोर पे टॉप पे जा सकते हैं। और इस अप्रोच में क्या है, अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपनी वही रही, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एनी रही, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपने बिगो ऑफ वन हो गई, दैट्स व्हाई इट बिकम्स द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रॉब्लम। सो नाउ वी विल डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द कोडिंग ऑफ क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर एन की वैल्यू नंबर ऑफ स्टेयर्स, अगर सबसे पहले वन ले लेते हैं अगर, तो क्या कर देंगे, रिटर्न वन करवा देंगे, ठीक फिर क्या वेरिएबल बनाएंगे इनटू वन, उसमें वन इनिशियलाइज कर देंगे, एक वेरिएबल टू बना देंगे, इनिशियलाइज करा देंगे, फिर क्या है, अपन एक फॉर लूप बनाएंगे जो आई इक्वल्स टू थ्री से लेकर आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक चलेगा, आई प्लस प्लस होगा इंट टोटल इज इक्वल्स टू वन प्लस टू। क्या करेंगे, विद एवरी इटरेशन वी नीड टू अपडेट वन एंड टू, ठीक है, तो वन में टू स्टोर हो जाएगा और जो टू है उसमें टोटल की जो वैल्यू आ जाएगी, और रिटर्न क्या कर देना है, टोटल टू कर देना है। सिंस दिस इज अ प्रीमियम प्रॉब्लम सो आई कैन नॉट शो बाय रनिंग द कोड हियर, बट इन अदर ऑनलाइन जावा कंपाइलर आई विल ट्राई टू रन दिस कोड। ओके, तो ये जो अपने मेथड बनाई है ये अपन कॉपी कर लेंगे, और इसमें अपन जैसे इसमें मेन मेथड मैंने लिख दी थी पहले से, अब यहाँ पे मैं मेथड को पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या है, वेरियस नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं, जैसे इस नंबर ऑफ स्टेयर्स अगर टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, तो उसके लिए कितने डिस्टिंक्ट पॉसिबल वेज है वो निकल गया जाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इस कोड इज रनिंग फाइन।
सो थैंक यू।